हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे टैक्सेशन करवेरा। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है सैलरी इनकम पगार नहीं आवक। ऑलरेडी चैप्टर के कुछ वीडियो अपलोड हुए जिसमें हमने पहले इसका बेसिक जो रूल्स है वो भी कंप्लीट समझाते हुए एक वीडियो अपलोड किया अलग से, वो भी देखिएगा। साथ साथ में जो प्रैक्टिकल्स हम सॉल्व हुए वो भी जरूर देखिएगा। आज क्या करें, आज हम इस चैप्टर का जो लेटेस्ट अभी एग्जाम हुई है जो उसमें पूछा हुआ सम्स है वो सॉल्व करने वाले, जहाँ पर नवंबर 2023 उसमें इस चैप्टर का जो सम्स पूछा गया वो आज सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इंग्लिश गुजराती दोनों में लिखा हुआ है और दोनों में मैं कंप्लीट एक्सप्लेन भी करूंगा। इस सम्स के अंदर भी आपको नए नए टॉपिक सीखने को मिलेंगे और जो रूल्स आएंगे वो बुक के अंदर से मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा, इसलिए वीडियो को एंटर जरूर देखिएगा। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर जो व्यक्ति का नाम दिया गया वो मनन है, जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, मतलब एक तरह का प्राइवेट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। जहां पर हमें प्रीवियस ईयर पिछला वर्ष बताया गया 22-23, मतलब 22 का अप्रैल से लेकर 23 के मार्च तक टोटल 12 महीने। अब यहाँ पर हमको टॉपिक दिए कुछ 8 जितने, ठीक है, तो 8ों का सॉल्यूशन करेंगे। और लास्ट में हमको इसने बोला है कि उसको हमको सजेशन भी देना है, एडवाइस देना है किस बात का, कि वो प्लान कर रहा है एक इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए, साथ साथ में एक रेसिडेंशियल हाउस, ठीक है, रहटानो मकान खरीदने का वो सोच रहा है। तो चलिए सब स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक दिया है एज यूजुअल जो हमारा होता है बेसिक सैलरी मूड पगार, तो इसमें आपको नया टॉपिक सीखने को मिलेगा। देखिए पहला जो बताया गया 40,000 का जो पगार है पर मंथ, ठीक है, दर महीने अक्टूबर तो उसको मिलता है, और अक्टूबर के बाद 1 नवंबर से उसका पगार बढ़कर कितना हो जाता है, 50,000 हो जाता है। टोटल 12 महीने का पगार कितना होगा, तो हमने ये सब जो कैलकुलेशन हो रहा है वो हम करके जरूर दिखाएंगे कि हमारा फेयर काम है और इसके मार्क बनते हैं। तो पहला जो टॉपिक आया हमारा बेसिक सैलरी, एंड तक देखिएगा, मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। कोई क्वेरी लगती है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा अगर ये वीडियो यूट्यूब पर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले 12 महीने हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे आपको पता है कि जो प्रीवियस ईयर के हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 23 तक है। तो अगर दिखाना चाहो एक तरह से हम ऐसा लाइनिंग से समझते हैं, ये हमारा समझे अप्रैल है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और हमारा ये जनवरी फरवरी और ये मार्च, ये हमारा 2022 से लेकर ये 23, ये टोटल 12 महीने हो गए। जिसमें हमको भी क्या बोला गया सम्स के अंदर, ध्यान से समझिएगा, जब पगार इंक्रीज हो रहा है उसकी बात की गई, तो अक्टूबर की 31 लिखा, मतलब पूरा पूरा अक्टूबर इसी महीने में आ जाएगा, तो तब तक उसका पगार कितना था, 40,000 था, ठीक है। अक्टूबर के महीने तक यहाँ का, यहाँ से स्टार्टिंग जब हुआ अप्रैल से लेकर अक्टूबर, तब तक उसका पगार कितना था, 40,000। थोड़ा अलग ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी शॉर्टकट में समझाऊंगा आपको। और नवंबर की तारीख से उसका पगार बढ़कर कितना हो गया, 50,000 हो गया। जो नवंबर का मंथ है तब से लेकर उसका पगार कितना हो गया, 50,000 हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ। तो सिंपल सी बात है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 अक्टूबर तक उसका पगार कितना था, 40,000 था। तो कितने महीने तक 40,000 पगार मिला, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो 7 महीने तक उसका 40,000 पगार रहा। और वैसे 1 अप्रैल से लेकर मार्च एंडिंग तक उसका पगार कितना हुआ था, 50,000 हुआ था। तो कितने महीने 50,000 हुआ, बाकी महीने टोटल में से माइनस करके 5 महीने आते हो ना, समझ लीजिए 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th, टोटल 5 महीने उसको 50,000 पगार मिला होगा। तो टोटल सैलरी कितना हो गया, जब हमें 40 से इंटू करेंगे 7 के साथ तो 2,80,000 हो जाएगा और 50 इंटू 5 करेंगे तो 2,50,000 हो जाएगा। तो इस वजह से टोटल जो 12 महीने का उसका पगार आएगा वो 5,30,000 हो जाएगा। आई होप क्लियर, ये डायरेक्ट कीजिए, ये तो सर समझाने के लिए मैंने किया आपको। यहाँ डायरेक्ट मंथ गिनना आता है, अप्रैल से अक्टूबर 7 मंथ होते हैं और नवंबर से मार्च 5 महीने, ये हो गया बेसिक सैलरी। आप यहाँ लिख सकते हो नॉट नंबर वन, ठीक है, हेडिंग में लिखिएगा नॉट नंबर वन, और यहाँ पर जो आप लिखे तो नॉट बता देने का जिससे पता चले, ठीक है। जस्ट मैं यहाँ पर लिख कर फिर बताने की कोशिश करूँगा कि 2,80,000 आया था हमारा 7 महीने का और हमारे दूसरे 5 महीने का आएगा 2,50,000। आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, नॉट नंबर फर्स्ट। आई होप ये क्लियर हुआ। तो कितना हुआ बेसिक सैलरी, 5,30,000 हुआ। क्लियर हुआ टॉपिक, नया सीखने को मिला, बीकॉम लेवल पर ऐसा आता था। अब अगला टॉपिक है हमारा सेकंड नंबर में डीएनएस अलोनेस, ठीक है, गुजराती में ना दिखा तो बोल जरूर आऊँगा, मोंगवारी भत्तू। क्या बोला, मूड पगार का 40% बोला गया, ठीक है, मूड पगार का 40% बोला है, बेसिक सैलरी का 40% जो इंक्लूड किया जाएगा
प्रोविडेंट फंड के लिए, ठीक है, रिटायरमेंट नहीं लिखा पर प्रोविडेंट फंड के लिए लिखा तो है ना, तो समझ में आएगा कहाँ पे यूज होगा, मैं आपको बताऊंगा जब प्रोविडेंट फंड का टॉपिक आएगा तब, ठीक है। उसका मतलब क्या होगा, सैलरी आप जब गिनेंगे तो ओनली बेसिक नहीं, उसमें डीए भी ऐड करना रहेगा जब प्रोविडेंट फंड का टॉपिक सॉल्व करेंगे तब। अभी डीए की बात करते हैं तो 40% बोला बेसिक सैलरी का, अब यहाँ मंथ वाइज अलग दिया था तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, टोटल ले लीजिए क्योंकि टोटल तो हमने कर दिया ना, 40% एक बार में बोला गया, ऐसा नहीं इस महीने का अलग परसेंट बोला है, इतने महीने का अलग परसेंट, तो आपको अलग अलग निकालने का। साथ में बोला जो डायरेक्ट टोटल का ही गिन सकते हैं, टोटल 12 महीने का जो था उसका 40% आप डायरेक्ट गिन सकते हो, तो 5,30,000 का 40% करेंगे तो डीए मोहंगवारी भत्ता आ जाएगा 2,12,000। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब अलग अलग 40% निकालो तो भी वही आएगा, ठीक है। अलग अलग कब करना चाहिए, अगर उसने परसेंट अलग बोला कि यहाँ तक के महीने का 10%, यहाँ तक के महीने का 40%, तो अलग गिन सकते हो, वरना बाकी टोटल अमाउंट पे आप गिन सकते हो। आई होप क्लियर हुआ। अगला टॉपिक बोनस का है। देखिए बोनस इंटरेस्टिंग तरह से लिखा गया कि बोनस जो भरा गया अक्टूबर में उसको पेड किया गया 2022 का अक्टूबर महीने में, वो इक्वल टू 1 मंथ, एक महीने का दिया गया। कितना दिया गया, बेसिक सैलरी प्लस डीए, ये समझिएगा, बेसिक सैलरी प्लस डीए जितना दिया गया था, ठीक है। गुजराती में अगर दिखाना चाहो, ठीक है, मूल पगार वत्ता मोहंगवारी, वत्ता मतलब प्लस, ठीक है, मोहंगवारी, और कौन से महीने का दिया गया, एप्लीकेबल फॉर डेट मंथ, उसी महीने का, उस महीने मतलब अक्टूबर महीने का ही उसको जो बेसिक सैलरी उसका बनता है उतना ही उसको बोनस दिया गया। तो अक्टूबर में बनता कितना है, तो सिंपल सी बात है, अक्टूबर में उसका पगार कितना था, यहाँ से भी दिखाना चाहो तो अक्टूबर तक उसका पगार कितना था, 40,000 था कि नहीं था, अक्टूबर में उसका 40,000 का पगार था, तो उतना तो बोनस मिलेगा। साथ साथ में प्लस डीए बोला है, तो डीए कितना टका है, 40%, तो 40% डीए की अमाउंट उसमें जुड़ जाएगी, सैलरी का 40,000 तो आया प्लस डीए का 40%, तो 16,000 समझिए प्लस करेंगे, तो 40,000 प्लस 16,000 वो 40% ऐड करके टोटल 56,000 उसको बोनस मिलेगा एक महीने का, एक महीना मतलब अक्टूबर महीने का उसको बोनस इतना मिला होगा। आई होप क्लियर हुआ, सैलरी प्लस डीए, क्लियर हुआ। सैलरी 40,000 कौन सी ली, अक्टूबर महीने के लिए, उसने बोला था अक्टूबर उसी महीने का इसके लिए। आगे बढ़ते, नेक्स्ट टॉपिक दिया गया हमको, ये अब आया प्रोविडेंट फंड का टॉपिक, दोनों का बताया, एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों का बुलाया गया, समझ गया, मालिक और कर्मचारी। तो कर्मचारी का तो आपको पता ही है, एम्प्लॉयर का 80C में जाता है, ठीक है, जो 1,50,000 होता है, कर मुक्त एग्जेम्प्टेड होता है, तो उसका कैलकुलेशन में करके नहीं दिखा रहा हूँ, हम लोग पकड़ लेते हैं मालिक का, देख लेते हैं मालिक का कितना बन रहा है। तो उसका रूल्स एक बार बुक में अगर दिखाना चाहूँगा, एम्प्लॉयर का वैसे पिछले सारे सम्स में आपको दिखाया होगा तो आपको अब याद होगा, फिर बुक में अगर दिखाना चाहो अगेन, जिससे अगेन अगर फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो डायरेक्ट तो आपको समझ में आए, बाकी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। तो प्रोविडेंट फंड के लिए बोला गया है जो एम्प्लॉयर मालिक का, गुजराती लोग समझ पा रहे होंगे, 12% तक सैलरी का 12% क्या रहेगा, नॉट ट्रीटेड एज इनकम, जो हम लोग टैक्स में गिनते हैं, लेकिन 12% से जो ज़्यादा होगा एक्सेस, 12% से ज़्यादा जो रहेगा वो टैक्सेबल माना जाएगा। और एम्प्लॉई जो हमारा कर्मचारी उसका 80C में जाएगा, जो 1.5 लाख तक माफ होता है, उसका भी टोटल अमाउंट हम निकाल के देखेंगे। और एक और टॉपिक होता है जो इसमें नहीं पूछा, जब समझा रहा हूँ, जो इंटरेस्ट होता है ब्याज जो जमा होता रहता है उसका होता है 9.5% तक, कितना 9.5% तक टैक्स फ्री होता है। तो 12% समझ गए, तो यहाँ पर दिया गया 16%, कितना गिनने का बोला है, 16% बोला गया सैलरी। अब सैलरी में कितना अमाउंट आएगा, ओनली ये सैलरी आएगा, डीए जुड़ेगा, तो डीए भी जुड़ेगा क्योंकि बोला था ये सैलरी के अंदर जोड़ना जब प्रोविडेंट फंड का हम कैलकुलेशन करेंगे तब। तो टोटल पहले कितना हो रहा है यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है। टोटल देखिए इसका हो गया 5,30,000, ठीक है, ये बेसिक सैलरी तो पूरी 12 महीने की आई, प्लस डीए को भी ऐड करने के लिए बोला गया, तो 2,12,000 में, यहीं कर आप साइड में नोट करके लिख सकते हो। तो टोटल कितना हो गया, टोटल सैलरी हो जाएगी 7,42,000 हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। अब आपको पता है 16% है, 12% टैक्स फ्री होता है, तो 4% बचन, तो डायरेक्ट 4% का ही हम निकाल देंगे जो टैक्सेबल माना जाएगा ना। दूसरा तरीका क्या, 16% टोटल निकालिए, उसमें 12% निकालिए, फिर माइनस कीजिए, तो 4% का ही अमाउंट आएगा, तो 4% डायरेक्ट निकाल सकते हो, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो जो इजी लगे। तो 4% के हिसाब से आएगा 29,680, ये गिना जाएगा टैक्सेबल, जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा प्रोविडेंट फंड में, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, मान्य प्रोविडेंट फंड। क्लियर हुआ कि नहीं टॉपिक। अगला टॉपिक बढ़ते हैं, वो मैं एम्प्लॉय का आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कर्मचारी का। अगला टॉपिक सम्स के अंदर अगर हम देख रहे तो कौन सा टॉपिक दिया गया, अब ये नया सीखने को आपको मिलेगा, प्रोफेशनल जो टैक्स है, ठीक है, व्यवसाय विरोध जो हमारा एक तरह से डिडक्शन कपात होता है, 2,500 भरा गया था, लेकिन 2,500 में जो 2,000 था ना, वो 2,000 किसने भरा, किसने पेड किया, एम्प्लॉयर मालिक ने पेड किया था, 2,500 में से 2,000 मालिक के द्वारा चुकाया गया था। तो समझिएगा, पहले तो 2,500 पूरा व्यवसाय विरोध जो टोटल है वो हमारा सैलरी इनकम में, ग्रोस जो सैलरी निकलती है हमारी फाइनल में, उसमें से डिडक्शन में आता है, ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स जो हमारा 16 नंबर का सेकंड कलम में होगा।
तो होता है 2500। यहाँ पर आप टोटल अमाउंट लिख दीजिए जो डिडक्टेबल होगा, पहले दिया ऊपर तो पहले लिख देना, वरना मोस्ट ऑफ लास्ट में दिया गया होता है। टोटल अमाउंट लिखिए, बट जो 2000 जो 2000 इंप्लॉय ने पे किया था मालिक ने, वो ऊपर ग्रोस सैलरी में ऐड किया जाएगा। जो ग्रोस सैलरी हम गिन रहे, ठीक है, उसमें 2000 मालिक के द्वारा पेड किया हुआ गिना जाएगा। ये रूल्स अगर मैं बुक में अगर आपको दिखाना चाहो कि कहाँ पे दिया है तो आपको भी पढ़ने को मिलेगा, तो उसको डिटेल में ज़रा पढ़िएगा। तो देखिए प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है, अंडर 16 के अंदर जो डिडक्शन हम कर रहे हैं, थर्ड नंबर की कलम है, बोला गया है प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर वुड फर्स्ट बी एडेड टू टोटल ग्रोस सैलरी। बोला गया फर्स्ट एडेड टू टोटल ग्रोस सैलरी, ग्रोस सैलरी में पहले जोड़ा जाए, ऐड किया जाए, उसके बाद आप उसको डिडक्शन में लिख सकते हो। तो जो एम्प्लॉयर ने पेड किया 2000, वो ऊपर हमने लिख दिया, और टोटल जो 2500 था वो हमने डिडक्शन में यहाँ पर लिख दिया। क्लियर हुआ कि नहीं, और रूल्स क्या था, ठीक है। टोटल उसने पेड किया होता कर्मचारी ने, एम्प्लॉय ने, वो यहाँ नहीं आता, पूरा पूरा नीचे डिडक्शन में आता, लेकिन एम्प्लॉयर मालिक ने जो पेड किया ऊपर ऐड कर लेना रहेगा। क्लियर हो, आपको डाउट लगे यूट्यूब पर तो कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद का टॉपिक ले रहे हम लोग, अगला दिया पॉइंट नंबर में देखिएगा 6 में, लैपटॉप और कंप्यूटर जो है एम्प्लॉय को दिया गया होगा उसकी फैसिलिटी, ठीक है, जो ऑफिस के लिए भी यूज़ होता है और पर्सनल के लिए भी। लैपटॉप था 60,000 का, कंप्यूटर था 50,000 का। किसके द्वारा पेड किया जाए, कंपनी के द्वारा ही पैसा दिया गया था। अब इसका रूल्स देखिए, मेरे लिए बहुत सारे रूल्स नया हो सकते हैं क्योंकि मैं अकाउंट का मैन हूँ, लेकिन टैक्सेस में मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए रूल के बेस पर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब ओल्ड टैक्स में अलग होता है, न्यू टैक्स में रूल्स अलग होता है, लेकिन हमारे अभी ओल्ड टैक्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके लिए क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊँ, जो हमने देखा टैक्स फ्री के अंदर बताया गया, टैक्स फ्री में अगर देखोगे ना, जो लैपटॉप और कंप्यूटर ये पूरा टैक्स फ्री के अंदर आता है। एक जगह और लिखा है, वहाँ पे अगर दिखाना चाहो बुक के अंदर, तो इतना सारा रिसर्च किया जाता है, कोई नया टॉपिक मुझे दिखता है तो उसका कहाँ पर रूल्स छपा है। तो देखिए, यूज़ ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर जो टैक्स फ्री माना जाए, ये जो सहूलत मिलती है वो टैक्स फ्री रहेगी। क्लियर हुआ कि नहीं, टॉपिक जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर पूरा का पूरा क्या रहेगा, टैक्स फ्री एग्जेम्प्टेड माना जाएगा, ठीक है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड, ठीक है, कर मुक्त, संपूर्ण कर मुक्त, डैश लिख देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगला टॉपिक क्या दिएगा, समझे, अगला टॉपिक आया हमारा मोटर कार का टॉपिक है, जो आप सब जानते ही होंगे, मोटर कार है जो मालिक के द्वारा दी गई है। अब कितनी कैपेसिटी की क्या है, तो रूल्स पहले बता देता हूँ, फिर हमें समझेंगे। वैसे आप लोग को याद हो गया होगा कि इसमें करना क्या, फिर भी रूल याद दिला देता हूँ। पहले मेन रूल्स का अपलोड किया वीडियो, वो जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर मोटर कार का हमारे पास है, जिसके अंदर मोटर कार अगर हायर की जाती है या खरीदी जाती है एम्प्लॉयर कंपनी के द्वारा, तो उसका रूल्स क्या, और कंपनी के द्वारा ही होता है मोस्ट ऑफ, और जिसका यूज़ दोनों पर्पस से हो, दोनों मतलब समझिए, ऑफिस के लिए भी और पर्सनल के लिए। तो अगर उसका सारा खर्चा कंपनी उठा रही है, तो 1600 सीसी या 1.6 लीटर दोनों में से कोई भी बात हो सकती है, तब तक का कैपेसिटी का तो 1800 रुपये महीने का होता है। लेकिन 1.6 लीटर या 1600 से ज़्यादा कैपेसिटी का हो, ठीक है, उससे ज़्यादा का हो तो 2400 रुपया लगता है, ठीक है। और साथ में अगर उसको चॉपर मतलब ड्राइवर दिया गया तो उसका अलग से महीने का 900 होता है। दोनों कंडीशन में ड्राइवर का सेम 900 ही रहेगा। बस ये याद रखना है, कब 1800 रुपया, अब कहो 2400, 1600 से कम सीसी का हो तो 1800 और 1600 से ज़्यादा सीसी का हो तो 2400। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर समझ में अगर देख रहे तो मोटर कार की कैपेसिटी लिखा है एक्सीड, ठीक है, अगर उच्चारण में तो प्रॉब्लम हो तो समझ लीजिएगा, 1.6 लीटर मतलब 1600 सीसी, एक ही बात, उससे ज़्यादा है वधू लिखा गया, क्या लिखा गया, इसलिए गुजराती भी साथ में समझाता हूँ। कई बार कोई वर्ड होते हैं जो आपको समझ में ना आए इंग्लिश में, तो गुजराती पेपर हमारे पास होता ही है, दोनों समझाने का ये फायदा साथ में। वधु 1.6 लीटर से ज़्यादा कैपेसिटी का है, तो आपको समझ गया करना क्या, पर तारीख संबंध है, इस बार तारीख दी है, कब मिला था उसको, कब प्रोवाइड किया था, 1 नवंबर से उसको दिया गया था, तो 1 नवंबर से ही गिना जाएगा। तो मंथली कितना आएगा, समझ गए, मंथली आएगा 2400। 1800 कब आएगा, 1600 से सीसी से कम होता है, और 1600 से ज़्यादा हो तो 2400। कितना महीने का गिनने का आपको अगेन दिखाना चाहूँगा, नवंबर से बोला है, नवंबर से मार्च होगा, तो कितना महीना, नवंबर दिसंबर फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 5 महीने, कितना महीने का, 5 महीने का उसका गिना जाएगा। नवंबर से उसको दिया गया था मोटर का, तो 5 महीने के हिसाब से 2400 में हम करेंगे 5, तो टोटल आ जाएगा 12000, ये गिना जाएगा टैक्सेबल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको, मतलब नॉर्मल पूरे साल यूज़ करें तो 12 से इंटू किया जाता है, आपको अमाउंट भी याद होगी कि कितनी आती है यहाँ पर, ठीक है। एक चीज़ और ऐड करके दी गई थी कि ये सब का मेंटेनेंस का रिपेयर का कुछ खर्चा हुआ 40,000, जो एम्प्लॉयर मालिक ने दिया था, तो इसका करना क्या, देखिए मैं अभी इस रूल्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, यहाँ पे बोला ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग हमको समझाना है, ठीक है, जूना मार्खा प्रमाण, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊँ तो ऐसा जो टॉपिक है यहाँ पर बताया गया, वैसे जब ओनली प्राइवेट पर्पस अंगत के लिए यूज़ होता है ना, तब जो मेंटेनेंस का होता है, रिपेयर का जो खर्चा, तब वो गिना जाता है, वो माइनस करने के बाद
गिना जाता है टैक्सेबल। लेकिन यहाँ पर आप समझ गए दोनों पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर ऐसा कोई हमको बताया गया नहीं है, तो ओनली यही अमाउंट आएगी, ये प्लस किया जाएगा नहीं। आई होप क्लियर हुआ होगा। लास्ट टॉपिक जो दिया गया समझिएगा, जो लीव ट्रैवल कंसेक्शन, मतलब यहाँ पर जो रजा का, ठीक है, जो उसको सहूलत मिलता है रजा प्रवास माते LTC, उसका क्या टॉपिक है। पहले मैं बुक के अंदर समझा था कि LTC का दिया क्या गया टॉपिक, ये ट्रैवलिंग के अंदर एक अलग टॉपिक है। यहाँ पर मैं बुक के अंदर अगर दिखा तो कहाँ पर दिया गया इसके बारे में, तो यहाँ पर दिया गया, हम देख रहे होंगे अलग से 19 नंबर के अंदर बताया गया, जो फैसिलिटी दी जाती है LTC, मतलब वही लीव ट्रैवल कंसेक्शन, मतलब जो रजा प्रवास माटे जो कंसेक्शन मिलता है उसकी बात की, तो नॉट टैक्सेबल बोला गया। क्या होगा, टैक्सेबल कर पात्र होगा नहीं, भले ना उसका एम्प्लॉय का खुद का हो, चाहे उसकी फैमिली के मेंबर हो, वाइफ हो, बच्चे हो, ब्रदर सिस्टर, सब बोला गया है, तो वो नॉट टैक्सेबल लिखा गया। ठीक है, यहाँ रूल्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, बाई चांस को चेंज होता है तो हो भी सकता है, पर मोस्ट ऑफ यहाँ पर बताया गया टैक्सेबल नहीं है, तो हम टैक्सेबल नहीं मानकर यहाँ इसको भी क्या करेंगे, फुल्ली एग्जेम्प्टेड मानेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर मेरा टैक्स विषय नहीं है, इसलिए आपको रूल्स होते हैं, रूल्स के बेस पर मैं समझा के आपको समझा रहा हूँ। बाय चांस किसी समझ में मेरे से मिस्टेक हो तो आप जरूर उसको करेक्ट जरूर कीजिएगा। तो ये टॉपिक भी आई होप क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर देखिए साथ ही साथ टॉपिक क्लियर हो चुके, अब हम लोग पहले इसका आंसर ला लेते हैं, फिर हम सजेशन क्या दे सकते हैं वो भी हम लोग देखते हैं। तो साथों के साथ आ चुके, तो जो भी आए वो प्लस कर लेंगे, तो हमारा ग्रोस सैलरी, हमारा ग्रोस पगार मिल जाएगा, टोटल जो आ रहा है 8,41,000 और 180 रुपीज़ निकल के आएगा। और जो आपको पता है डिडक्शन के अंदर अंडर 16 के अंदर बहुत सारे रूल्स है, 3 या 4 डिडक्शन होते हैं, आप लोग जानते हैं, एक तो स्टैंडर्ड तो फिक्स होता ही है, फिर प्रोफेशनल होता है, एंटरटेनमेंट होता है, और ब्याज इंटरेस्ट का भी इसमें आता है। बुक में दिया गया, पढ़िएगा, थ्योरी में भी 7 मार्क में कभी कभी पूछा जाता है। तो यहाँ पर डिडक्शन कितना हो गया, 50,000 हो गया, पहले 40,000 था 2020 तक, अब 50,000 फिक्स हो गया, और ये प्रोफेशनल व्यवसाय वाला तो आपको समझ में आ गया 2,500, तो दोनों अमाउंट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो टैक्सेबल सैलरी कर पात्र पगार निकल के आ जाएगा 7,89,180, तो ये फाइनल टैक्सेबल कर पात्र माना जाएगा। इसमें जो जो अलग से हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं टैक्स लाइब्रेरी, वो अलग से नोट में लिख सकते हो, कमेंट में, मतलब एडवाइस के रूप में आप उसको बता सकते हो। तो बताने के लिए बोला गया कि वो बाय करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक कार और रेसिडेंशियल हाउस, तो उसको क्या हम लोग सजेशन दे सकते हैं, तो बुक के अंदर जो बताया मैं उसके अकॉर्डिंग अगर बताओ कि आप उसको क्या सजेशन दे सकते हो, अगर इलेक्ट्रिक कार ही खरीदनी है और हाउस ही खरीदना है, तो टैक्स लाइबिलिटी कम कैसे कर सकता है। तो यहाँ बहुत से टॉपिक बताया डिडक्टेबल अमाउंट, तो जिसमें ये कलम जो बताएगी 80E, जिसमें अगर वो हाउस परचेस करे, तो जिसका हाउस का अमाउंट 50,00,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसके ऊपर इंटरेस्ट जो लगता है 35,00,000 तक क्या हो सकता है, वो डिडक्ट किया जा सकता है। दूसरा टॉपिक जो इलेक्ट्रिक कार की बात की है, ठीक है, तो 80EEB के अंदर बताया गया है, यहाँ पर ओल्ड बुक है तो 20 लिखा हो गया, बाकी न्यू बुक में क्लियर लिखा हो गया, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है उस पर आई थिंक 1,50,000 तक जो इंटरेस्ट होता है ब्याज, वो यहाँ डिडक्ट किया जा सकता है, कपात की तरह माइनस किया जा सकता है, उतना उसको फ़ायदा मिल सकता है। और साथ साथ में उसने यहाँ पर एम्प्लॉय, ठीक है, यहाँ पर एम्प्लॉय जो प्रोविडेंट फंड में पैसा भर रहा है, ठीक है, वो भी 80C के अंदर आने वाला है, समझिए 1,50,000 तो उसका भी इसको फायदा मिलेगा। तो ये सर आप कमेंट के सजेशन के अंदर आप बता सकते हो, इसके अलावा भी वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जो बॉन्ड है बॉन्ड में भी वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इतना आप सजेशन 3-4 लिखोगे तो आपका यहाँ काम कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको सजेशन में क्या क्या लिखना थोड़ा बहुत पता चला होगा, ना बुक में जरूर रीड कीजिएगा। तो इस तरह से सम्स हुआ कंप्लीट, आई होप आपको समझ में आया होगा। YouTube पर आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बोलना चाहूँगा आप एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर आपका कोर्स अवेलेबल है, कोर्स में ज्वाइन जरूर होगा तो आपकी तैयारी और अच्छे से होने वाले, और Instagram पर भी जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।